हाल ही में UPPCL ने क्या किया कि जितने भी ग्रामीण लोगों के जो बिजली के कनेक्शन थे उनकी जो अकाउंट आईडी थी वो चेंज कर दी। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप ऑनलाइन घर बैठे अपनी न्यू अकाउंट आईडी है वो जान सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा UPPCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अपना न्यू अकाउंट नंबर जानने के लिए सबसे पहले आ जाना है UPPCL.org, देन यहाँ ऑप्शन आएगा नो योर न्यू अकाउंट नंबर फॉर रूरल एरिया, यानी ग्रामीण इलाके में अगर आप अपना नया अकाउंट नंबर जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे एक न्यू पेज है आपके सामने आएगा। अभी क्या ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो चल रही है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा है इस पर। अब आपको अपनी डिस्कॉम सेलेक्ट करनी है, पश्चिमांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल, देन आपको अपना ओल्ड यहाँ अकाउंट नंबर लिखना है, देन यहाँ पर कैप्चर कोड फिल करना है। तो जल्दी से मैं अपना जो ओल्ड अकाउंट नंबर है वो यहाँ लिख देता हूँ, देन इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चर कोड भरना है, देन व्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पुट करेंगे अपना ओल्ड नंबर, देन कैप्चर कोड फिल करेंगे, आपका न्यू अकाउंट नंबर यहाँ लिख कर आ जाएगा, साथ के साथ आपका जो नेम है वो भी लिख कर आ जाएगा। अब आपको अगर अपना बिल चेक करना है तो देखिए आपको अलग तरीके से करना होगा बिल चेक, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या करना है, UPPCL बिल चेक अर्बन लिख के आपको चेक करना होगा, क्योंकि पहले आपका जो कनेक्शन था वो रूरल में था, अब अर्बन में। तो देन पहली लिंक आएगी, आप उस पर क्लिक करिएगा, दूसरी लिंक रूरल यानी ग्रामीण इलाकों के लिए। अब आपका जो कनेक्शन है वो रूरल में नहीं, रूरल की बजाय अर्बन में आ चुका है। देन आपको डिस्कॉम सेलेक्ट करनी है, देन अपना अकाउंट नंबर लिखना है, कैप्चा कोड लिखेंगे, आपका जो बिल है वो आने लगेगा। तो यही थी पूरी प्रोसेस कि किस तरीके से आप अपना रूरल यानी ग्रामीण इलाके का जो अकाउंट नंबर था उससे कैसे नया अकाउंट नंबर आप जान सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।